सो व्यूअर्स सबका ही स्वागत है आपका टेक पफ की ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को एज ए स्पीकर कैसे यूज कर सकते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए। सो कई बार क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसमें आप एक स्पीकर वर्क करना बंद कर जाते हैं, आप मीटिंग कर रहे हो तो उसके बीच में आपका स्पीकर वर्क करना बंद कर जाता है, तो वहाँ पर तो आप अपना जो मार्केट से स्पीकर लेने तो नहीं जाओगे, तो उस वक्त आप मेरे ट्रिक को यूज कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको इस सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है साउंड बाय सर्वर। तो आपको इसको मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन से, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है यस। एंड देन आप जो सिंपली जो आप सेटअप कर दो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट उसको नेक्स्ट 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 एंड देन लास्ट को नेक्स्ट करके तो उस पर क्लिक कर देना है। आपका जो ये सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाए तो वो भी आप इस पर क्लिक करना, देन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको भी आपको एरर आता है तो आप दिक्कत देने के बाद यहाँ ओके प्रेस कर दी। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको आ जाना है अपने मोबाइल पर। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, देन इसमें आपको सर्च करना है साउंड वायर। तो आपको ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। एंड अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए गाइस आपका जो पीसी सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एक सर्वर आईडी करके आईपी दिख रही होगी, आपको यही आईपी अपने इस खाली बॉक्स में डाल देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको ये डाउन वाले एरो पर क्लिक करना है। एंड रिसेंटली यूजर्स आपका जो दिखा रहा है तो उस पर आपको ये क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पीसी पर भी दिखाऊं, यहाँ पर आपको स्टेटस जो है आप कनेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ, जो आपका मोबाइल है उसके स्पीकर में आपकी जो आवाज़ है वो आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो जल्दी से अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे ये स्मार्टफोन पर ये यूट्यूब जो वीडियो प्ले हो रही है एनसीएस का सॉन्ग वही हमारे स्मार्टफोन पर प्ले हो रहा है। जैसे कि मैं इसको आपको अप और डाउन करके दिखाऊं तो हमारा जो स्मार्टफोन पर है वो गाना एक्चुअल प्ले हो रहा है। तो आप कुछ इस तरह से अपने स्मार्टफोन को एज अ स्पीकर यूज कर सकते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए। ये तो मैंने आपको अपने पीसी में करके दिखाया है। आपका कोई लैपटॉप है उसमें आपको साउंड की दिक्कत है, आपका एक स्पीकर वर्क कर रहा है दूसरा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, फिर आपके दोनों स्पीकर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। सो होपफुली गाइज आपको समझ में आ गया होगा आप अपने स्मार्टफोन को एज अ स्पीकर कैसे यूज कर सकते हो अपने पीसी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ऐसी टेक और टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।